एम्बुलेंस है, आज आप यहाँ पे रिपन हॉस्पिटल, आज आपको डॉक्टर ने बुलवाया, आप ये माता जी का चेक कर, अच्छा इनका चेक करवाया, तो कितनी देर से आप अस्पताल में खड़े हैं और अभी तक आपको कोई डॉक्टर नहीं मिला, काफी परेशानी का सामना। जो हमने अभी फिलहाल जो हमारी एसोसिएशन है स्टेट मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, उन्होंने ये निर्णय लिया है सर्वसम्मति से कि जब तक जो अभी एक घटना घटी है, शायद आप सबको मालूम होगा कि जिला मंडी के जंजैली क्षेत्र में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक महिला डॉक्टर के साथ मारपीट, गाली गलौच और दुर्व्यवहार किया गया, तो अभी तक जो भी आरोपी थे रात को ऐसा व्यवहार दुर्व्यवहार किया तो अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया, जबकि तब तक अगर ये हमें कोई आश्वासन नहीं मिल जाता या जब तक जो एक जो हमें मेडिपर्सन एक्ट सरकार ने पहले से कैबिनेट में ला के किया हुआ है, तो उसके लिए हमें लगता है कि कोई जब तक कठोर कदम, ठोस कदम नहीं सरकार उठाती है तब तक ये हमारी स्ट्राइक का भी जारी रहेगी। दो घंटे मिले आपको मुख्यमंत्री से, मिले हेल्थ मिनिस्टर से, मिले इस बारे में बात होने के लिए आपकी? अभी हम मिले नहीं हैं, लेकिन अगर जैसे सरकार हमें अगर कोई न्योता देती है एसोसिएशन को या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमें अगर सरकार के एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बुलाती है तो हम जरूर जाएंगे और इस बात को उनसे विचार विमर्श करके ये हम स्ट्राइक के बारे में जो डिसीजन है उस हिसाब से लिया जाएगा। लेकिन नाम और परिचय? डॉक्टर राजेश राणा, वाइस प्रेसिडेंट स्टेट मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन। जितनी भी एमरजेंसीज है, एमरजेंसी का हमने विशेष करके ख्याल रखा है और एमरजेंसी निरंतर चल रही है दिन और रात, और ताकि एमरजेंसी में पेशेंट को कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ना आए उसके लिए डॉक्टर्स भी कार्यरत हैं, पैरामेडिक्स कल के जितने भी हमारे लोग हैं वो भी कार्यरत हैं। लेकिन ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये लगातार समय के साथ बढ़ रही है, जबकि सरकार ने नियम भी बनाए हैं लेकिन लोग इन नियमों की धज्जियाँ जानबूझ के उड़ा रहे हैं। तो हाल ही में बहुत सारी घटनाएं इस अस्पताल में भी देखने में आती, लेकिन फिर भी हमारा अनुरोध सरकार से रहेगा कि जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूशन इस पर प्रॉपरली प्लान किया जाए ताकि हम अपने स्टाफ को इस डर के माहौल से थोड़ा सा बाहर निकाल सकें। ये दो घंटे की स्ट्राइक है, ये अभी तो सामान्य था, बिल्कुल सुचारू रूप से थोड़ी देर में सेवाएं शुरू हो जाएगी। ये एक दिन की या आगे भी रहेगी? ये अभी अनिश्चित काल तक है, वो अपने जो एसोसिएशन के लोग हैं वो इस विषय में ज़्यादा बताएंगे कि डॉक्टर राणा हमारे साथ है, ये स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी है, हमारे जो HMO जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके। थैंक यू।